चंद्रशेखर जी ने और बाकी जगह जो दूसरी तरह के भी जो रचनात्मक काम किए और केंद्र विकसित किए, जैसे जेपी के गांव में जो मैंने भोरसी आश्रम भी विवादों में रहा, और दूसरे जहाँ जहाँ जगह जगह जो भारत यात्रा केंद्र या दूसरे रचनात्मक केंद्र भी जहाँ बने, खास तौर पर शताब्दी आरा, वो सब वो कुछ पारिवारिक विवाद और कई तरह के विवाद आए और कई जगह काम ठप पड़ा हुआ है। सारे जेन्युइन लोगों ने धीरे धीरे हाथ अपने पीछे खींच लिए। एचएन शर्मा निश्चित रूप से एक बहुत ईमानदारी और एक जज्बात के साथ चंद्रशेखर जी के साथ जुड़े रहे हैं और अभी अभी भी उनकी स्मृतियों को छुए बनाए रखने के लिए जो भी करणीय है करते हैं। तो क्या इसे यह चीज़ आपको पीड़ा नहीं देती? चंद्रशेखर जी ने असल में ये जो केंद्र वगैरह बनाए, संस्थाएं खड़ी की, तो उसका उसकी संस्थात्मक व्यवस्था के प्रति वो असावधान रहे। उन्होंने इसकी चिंता नहीं की। उनको लगा कि मेरे बाद जो लोग रहेंगे वो अपने ढंग से करेंगे। उनके आखिरी दिनों में मुझे याद है भैरव सिंह शेखावत उनको ये सलाह देते थे कि आपने जो ट्रस्ट वगैरह बनाए हैं उन ट्रस्टों की कोई व्यवस्था बना करके जाइए। तो चंद्रशेखर जी ने सुना, उनके भैरव सिंह जी की बात वो सुनते थे, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था बनाई नहीं। तो उसका कारण यह था कि चंद्रशेखर जी में एक परिवार के प्रति मोह भी था और उस परिवार के मोह के कारण फिर कोई संस्थात्मक व्यवस्था नहीं बनी। अब इस कारण से वो देखिए, संस्था अगर बन जाती तो चलती, उस हर संस्था की अपनी एक आयु भी होती है, ऐसा नहीं हो कि हमेशा चलती रहती है। लेकिन जितना जल्दी उनके बनाए हुए ट्रस्टों में विवाद शुरू हो गया, झगड़े शुरू हो गए और वो सारे ट्रस्ट को ट्रस्ट के उद्देश्य, ट्रस्ट के लक्ष्य, ट्रस्ट के कामकाज दोयम दर्जे में पहुंच गए और ट्रस्ट के पास जो संपत्ति है, चाहे पैसा है या जमीन है, उसी पर लोगों की निगाह आ गई। तो वो इतना अगर अगर तो सर कब्जा करके बैठे, हाँ नहीं, अगर अगर संस्थात्मक व्यवस्था वो बना करके जाते तो इतना जल्दी विवाद नहीं होता। योग्य लोगों को बना करके जाते और इसीलिए आखिरी दिनों में ये खास करके जेपी स्मारक ट्रस्ट वाले विषय पर हम लोगों का चंद्रशेखर जी से काफ़ी मतलब मतभेद था। और एक घटना मैं आपको बताता हूँ। 25 जून को विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्मदिन होता है, इमरजेंसी के दिन वो पैदा हुए। तो ये जो उन पर जो पुस्तक थी 25 जून 2005 2006 तो 25 जून 2006 को विश्वनाथ प्रताप सिंह के घर पर उस पुस्तक का शाम को लोकार्पण हुआ। पूरी लीडरशिप थी वहाँ। अच्छा, मंजिल से ज़्यादा सफ़र। हाँ, कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद जी। अगले दिन या उसी दिन, अभी हमको याद नहीं है, वो अगले दिन वीरेंद्र सिंह हमारे पास आए और कहने लगे कि चंद्रशेखर जी पूछ रहे हैं कि ये राम बहादुर से पूछो कि ट्रस्ट की कब बैठक बुलानी है। तो मैंने, वीरेंद्र जी तब सेक्रेटरी थे, चंद्रशेखर जी अध्यक्ष थे,
तो हमने वीरेन जी से कहा कि देखिए वीरेन जी, हमको तो कहीं जाना नहीं है, आप हरिवंश जी से पूछिए, क्योंकि उनको रांची से आना होगा, तो हरिवंश जी की जो सुविधा हो उसके हिसाब से हम लोग समय और तारीख तय कर लें। अभी ये बातचीत तो जा करके वीरेन सिंह ने ये चंद्रशेखर जी को बताया होगा, लेकिन अब हमको ये नहीं मालूम कि चंद्रशेखर जी ने ट्रस्ट का पुनर्गठन को छिपाने के लिए बात कही या उनको मालूम नहीं था, ये दोनों का हमको ठीक से अंदाज नहीं है। लेकिन ये अभी ये बात चल ही रही थी कि ट्रस्ट की कब बैठक हो, कि दो तीन दिन के अंदर ही ये बात मालूम पड़ी कि ट्रस्ट का तो पुनर्गठन हो गया है जी। और वीरेन सिंह हटा दिए गए हैं, पुनर्गठित ट्रस्ट में अध्यक्ष चंद्रशेखर जी हैं और सेक्रेटरी रविशंकर सिंह हैं उर्फ पप्पू। तो ये सूचना जो है वो हरिवंश जी को या बाकी लोगों को सबको ये सूचना एक तरह से आघात की तरह लगी। फिर ये बात होगी जून के आखिर की, 15-16 दिन बाद मैं बनारस गया, क्योंकि हमारे एक मित्र कैंसर से पीड़ित थे और उस समय मुझे ये कहा गया कि अगर उनको आप देखना चाहते हैं तो हो लीजिए, नहीं तो बचेंगे नहीं। तो हम उनको मिलने के लिए गए और वहीं दो पत्रकारों को जो हमारे मित्र हैं उनको हमने एक काम सौंपा, हमने कहा कि आप लोग आजमगढ़ जाइए और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रार है, वहाँ असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, वो संयोग से हमारा सहपाठी है, तो उससे कहिए कि ये जेपी स्मारक ट्रस्ट के पुनर्गठन का जो दस्तावेज है, उत्तर प्रदेश में सिस्टम ये है, दिल्ली में ये नहीं है, उत्तर प्रदेश में आप कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हर 5 साल में उसका चुनाव होता है। अच्छा। दिल्ली में चुनाव नहीं होता, दिल्ली में आपने एक बार रजिस्टर्ड करा लिया तो वो आपकी मर्जी है कि आप अध्यक्ष और सचिव बदलें ना बदलें, लेकिन कानूनी बाध्यता नहीं है। अच्छा। उत्तर प्रदेश में हर 5 साल पर ट्रस्ट की बैठक बुलाकर उसमें जो ट्रस्ट का पुनर्गठन करना पड़ता है, यानी ऑफिस बेरर फिर से चुनना पड़ता है, अध्यक्ष का चुनाव भी होता है, सेक्रेटरी का भी चुनाव होता है और बाकी नॉमिनेशन होता है। तो उस 5 साल वो जो ट्रस्ट चंद्रशेखर जी पूछवा रहे थे वो 5 साल के का समय पूरा हो गया था, तो ट्रस्ट की बैठक के लिए सब पूछवा रहे थे। खैर हमने किसी को कहा कि आप जा करके और असिस्टेंट रजिस्ट्रार से कहिए, वो चुपके से सब कागज़ दे देगा। तो उसने रात को 10 बजे दोनों गए, रात को 10 बजे दफ्तर खुलवा करके और उसने सारा डॉक्यूमेंट दे दिया। वो लोग मुझे मैंने बनारस में मैं एक दिन शायद रुक गया था, तो अगले दिन उन लोगों ने आकर के मुझे दे दिया, कहा कि ये है सब। हम सीधे दिल्ली जब पहुंचे तो सीधे प्रभास जी के पास गए और हमने प्रभास जी को कहा कि ये है डॉक्यूमेंट जो वहाँ जमा कराया गया था। उसमें ये जो ये पटना वाले क्या नाम है रजी साहब, हाँ,
तो रजी साहब किसी का नाम प्रपोज कर रहे हैं, किसी का सेकंड कर रहे हैं, बैठक 3 साउथ एवेन्यू में हुई, ये सब उसमें लिखा हुआ। तो प्रभास जी ने रजी साहब को फ़ोन किया और कहा कि रजी साहब आप दिल्ली आते हैं और मुझे उसकी सूचना भी नहीं होती। तो रजी साहब ने नाराज़ होकर कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये मैं 3 साल से दिल्ली ही नहीं गया। तो वो सारा जो पुनर्गठन था फर्जी था और 2-3 लोगों ने मिलकर के उसका पुनर्गठन किया था, शायद चंद्रशेखर जी को बताया भी नहीं था, या बता दिया होगा तो चंद्रशेखर जी उसमें थे नहीं ऐसा लगता। ये जब सब सामने आया तो वीरेंद्र सिंह, हरिवंश जी, मैं, ये तीनों हम लोग गए प्रभास जी के पास। जब ये मालूम हो गया कि सब फर्जी है तो तीनों हम लोग गए प्रभास जी के पास और एक पत्र, पहले बातचीत हुई और क्या करना चाहिए। तो हम चारों लोगों का, मैंने हरिवंश जी थे, वीरेंद्र सिंह थे, प्रभास जी थे, मैं था, तो इन चारों का ये मत बना कि ये जेपी से जुड़ी हुई संस्था है, इसलिए हमको चंद्रशेखर जी से हमारे संबंधों को एक तरफ रख करके संस्था के लिए हमको चंद्रशेखर जी से बात करनी चाहिए। और तो प्रभास जी ने एक पत्र हम लोगों ने ड्राफ्ट किया और वो पत्र जहाँ तक मुझे याद है हम लोगों ने सामूहिक हस्ताक्षर करके और चंद्रशेखर जी को भिजवा दिया। तो चंद्रशेखर जी का उस पत्र को पढ़ने के बाद मेरे पास फोन आया कि बात करनी है। तो मैंने कहा कि जब आप कहें हम आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं हरिवंश से भी बात करता हूं और बताता हूं आपको। तो जहां तक मुझे याद है ये 12 अगस्त की बात होनी चाहिए। हरिवंश जी चंद्रशेखर जी से बातचीत होने के बाद आए यूपी भवन में, हम लोग सब लोग मिले। उस दिन हुआ ये कि खूब तेज बारिश हो रही थी, तो हमको वैशाली से यूपी भवन आने में जो 40-45 मिनट लगना चाहिए, उस दिन 2.5-3 घंटा लगा बारिश के कारण। तो उन 2.5-3 घंटों में हमने एक काम किया, हमारे पास एक नोटबुक रहता है तो उसमें हमने लिखना शुरू किया कि अगर चंद्रशेखर जी से बात होगी तो मुझे क्या कहना है। तो हमने वो सब लिख लिया था। हम लोग यूपी भवन से सभी, मतलब ये चार तो थे ही, प्रभास जी नहीं थे, वीरेंद्र सिंह थे, हरिवंश जी थे, चित्रंजन सिंह थे, मैं था, ये हम चार लोग थे। तो ये हम लोग गए वहाँ बोर्ड से वो नए केंद्र पर। तो आपने देखा नहीं होगा, एक चंद्रशेखर जी जिस कमरे में रहते थे वो बड़ा सा बिस्तर था, उनके पैर की तरफ 2-3 कुर्सियाँ रखी हुई थी और एक उनके सिरहाने कुर्सी ऐसे ही रखी थी। तो जिससे वो बात करते थे या जो उनसे बात करना चाहता था तो उनको ज़्यादा ज़ोर से ना बोलना पड़े, तकलीफ ना हो, इसलिए उस कुर्सी पर बैठता था और बाकी लोग सामने बैठते थे। उनके कमरे में जाने से पहले मैंने हरिवंश जी को कहा कि ये मुझे जो कहना है वो हमने ये लिख रखा है, आप लोग देख लीजिए इसको। मैं तो इसके इधर न उधर कहीं नहीं, हम यही कहेंगे। तो 5-7 बातें थी उसमें। हमने ये पहली बात ये चंद्रशेखर जी से पूछी थी
कि ये ट्रस्ट का पुनर्गठन क्या आपकी जानकारी में हुआ है? जी। अगर जानकारी में हुआ है तो हमको फिर कोई शिकायत नहीं है, ये आपका फैसला है, फिर हमारा आप इस्तीफा स्वीकार करिए, क्योंकि हम सेक्रेटरी पप्पू को स्वीकार नहीं कर सकते। अगर आप दूसरी बात मैं कह रहा था उनसे और यही हुआ कि अगर आपकी जानकारी में नहीं हुआ है तो आप अध्यक्ष के नाते रजिस्ट्रार को एक पत्र लिखिए और कहिए कि ये जो पुनर्गठन है फर्जी हुआ है, उसको रद्द कर दें। ऐसे ही चार पांच बातें थी, तो ये उसको हरिवंश जी ने पढ़ा और बाकी लोगों ने पढ़ा, पढ़ने के बाद कहा कि ये आप ही बात करिए। तो उसका कारण ये था कि वीरेंद्र सिंह हो या हरिवंश जी हो, चंद्रशेखर जी के सामने बोलने में इन लोगों को मुश्किल थी। अच्छा, तो इन लोगों ने कहा कि आप ही बात करिए, तो हमको उस कुर्सी पर बैठा दिया। चंद्रशेखर जी को मैंने बात शुरू की और मैंने कहा कि चंद्रशेखर जी, मुझे जो कहना है वो मैंने लिख लिया है, मैं ये आपको देता हूँ। तो उन्होंने भोजपुरी में कहा कि नहीं, एक पढ़ के सुनाओ। तो मैं उसको पढ़ने लगा और उसको भाष्य भी करने लगा, उसका जो उसमें जो पॉइंट लिखा था। तो हमने कहा कि क्या ये आपकी जानकारी में हुआ है? तो इस पर चंद्रशेखर जी चुप, कुछ नहीं। हाँ, फिर हमने कहा कि अगर जानकारी में नहीं हुआ है तो आप जो है वो रजिस्ट्रार को पत्र लिखिए। तो जब पूरा पढ़कर सुनाया और 15-20 मिनट में हमने अपनी बात रख ली, तो चंद्रशेखर जी ने मुझे नहीं, चितरंजन सिंह की तरफ उन्होंने वो कहा, उसका जो शब्द हमको याद नहीं रहे, उसका भाव ये था कि मेरी बात कोई सुनेगा नहीं। तो जब उन्होंने ये कहा कि हम लोग ये कह रहे थे कि आप इसको चिट्ठी लिखिए या आप एक निर्णय करिए और वो निर्णय हमको बताइए, तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि मेरी कौन सुनेगा, मेरी बात कौन सुनेगा। तो फिर हमने हस्तक्षेप किया, हमने कहा कि चंद्रशेखर जी, जल्दी आप स्वस्थ हो जाएं, और लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि आप मेरी कोई बात सुनेगा नहीं, ऐसा नहीं है। आप कहेंगे और ऐसा किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आपकी बात टाले, उसमें हम सब लोग शामिल हैं। हमको ये आपकी बात, अगर हम उससे सहमत नहीं होंगे तो आप आदरपूर्वक आपकी बात सुन करके और ये कह देंगे कि हम सहमत, लेकिन आपकी बात की अवज्ञा करने का तो किसी में कोई ऐसा हिम्मत नहीं है। अच्छा, लेकिन वो ऐसा लगा मुझे कि वो सब उनकी जानकारी में था। दूसरी बात क्या हुई कि एक लड़का जो उनकी सेवा में रहता था, जो बाद में नीरज के साथ रहने लगा था, तो वो पप्पू का वहाँ एक खुफिया एजेंट था। अच्छा। जब हम घटना बताता हूँ, जब बातचीत कहीं आगे नहीं बढ़ रही थी तो चंद्रशेखर जी ने कहा, हमने कहा कि हम अब चल रहे हैं। जी। चंद्रशेखर जी ने कहा कि भोजन करके जाइए। तो हम लोग निकले, हमारे मन में था कि उनको तो नहीं कहेंगे कि भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तकलीफ होगी, लेकिन मन में तय कर लिया था कि भोजन वगैरह नहीं करेंगे। तो बाहर जब निकले तो देखा कि वो दरवाजे पर कान लगा करके और सारी बात
सुन रहा था। और जब हम लोग निकले तो देखा कि वो एक टीले पर खड़े होकर के वो मोबाइल से किसी को बता रहा है, यानी पप्पू को बता रहा होगा जो भी है। तो उस दिन के बाद फिर चंद्रशेखर जी से कोई, लेकिन कितना शर्मनाक था कि जीपी की स्मृति चंद्रशेखर जी से फिर उसके एक ऐसे गड़बड़ आदमी को जिसके आपराधिक तो ठीक है भले परिवार में, तो चंद्रशेखर जी से उसके बाद फिर बात नहीं हो पाई। और इस तरफ से प्रभास जी ने 3 कागज कार्य लिखा इस पर। जब हम लोगों ने उनको बताया तो दियरा है देश का, एक का हमको टाइटल याद है। तो दूसरा ये हुआ कि उन्हीं दिनों में भैरव सिंह शेखावत को चंद्रशेखर जी कहीं ले जाना चाहते थे, शायद वहीं सिताब दियरा ले जाना चाहते थे। तो हम और प्रभास जी भैरव सिंह शेखावत के पास गए, पूरी बात बताई। तो भैरव सिंह शेखावत ने शायद अपनी जीवन में पहली बार और आखिरी बार चंद्रशेखर जी की बात नहीं मानी, नहीं गए वो, उन्होंने हम लोगों की बात मानी। हमने कहा कि आप जाएंगे तो ये जो अपराधी किस्म का आदमी है उसको और सम्मान मिलेगा, तो कम से कम आप तो मत ऐसा करें, तो नहीं गए। तो कोई नहीं जाता है सर, अब तो वहाँ कोई गतिविधि, तो ये भैरव सिंह जी का ये बड़प्पन था। अच्छा सर, ये जो चुनाव राज्यसभा में चंद्रशेखर जी का नहीं जाना, तो आप बता रहे थे कि नहीं दल की राजनीति तो नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन उसी किताब में सर ये है कि ये उनके अंदर यह भी एक बोध था कि अगर इन रचनात्मक कार्यों में ही लगे रहते तो ज़्यादा उचित रहता, बल्कि ज़्यादा अन्याय कर पाते अपने राजनीतिक जीवन में, एक्टिव पॉलिटिक्स। देखिए वो जब 84 का चुनाव, उनको चंद्रशेखर जी कहते थे कि उनको हरवाया गया, अरुण नेहरू ने जिलाधिकारी को कह करके उनको हरवाया, राजीव गांधी की लहर थी। और चंद्रशेखर जी ने एक बयान दे दिया था कि सिख इतिहास अगर इंदिरा गांधी जानती तो स्वर्ण मंदिर पर सेना नहीं भेजती। तो उस बयान को इन सबों ने, कांग्रेसियों ने पकड़ा हुआ था और तय किया था कि चंद्रशेखर जी को हराना है। चंद्रशेखर जी के खिलाफ कोई वैसा उम्मीदवार राजीव गांधी नहीं खोज पाए जो जैसा उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ अमिताभ बच्चन को खोज लिया, अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ माधवराव सिंधिया को खोज लिया। तो उस चुनाव में राजीव गांधी चुन चुन करके कांग्रेस के सामने जो बड़े नेता थे उनको लोकसभा नहीं पहुंचने देना है, ये उनका निर्णय था। उसी में बहुगुणा भी हारे, वाजपेयी भी हारे, चंद्रशेखर जी के मुकाबले ऐसा कोई नाम नहीं खोज पाए। तो जिलाधिकारी का इस्तेमाल करके और कुछ हज़ार वोटों से उनको हरवा दिया। हारने के बाद चंद्रशेखर जी चाहते तो कर्नाटक से राज्यसभा में वो आ जाते जी। उत्तर प्रदेश से भी आ जाते, लेकिन कर्नाटक उन में जनता पार्टी की सरकार थी, वहाँ से उनको प्रस्ताव भी था, लेकिन उन्होंने राज्यसभा से आना स्वीकार नहीं किया। और वो जो 84 से या 85 से और 89 तक, यानी 85 से 89 तक का जो समय है, वो चंद्रशेखर जी के जीवन में रचनात्मक कामों का सबसे महत्वपूर्ण समय है। उसी उन्हीं सालों में उन्होंने जेपी स्मारक ट्रस्ट के पास बहुत सारा कंस्ट्रक्शन करवाया, खादी ग्रामोद्योग आयोग का केंद्र खुलवाया, कॉलेज की चिंता की। उसी तरह से सेवरा नाम है ना, और शहीद स्मारक बनवाया, शहीद स्मारक बनवाया,
पुरुलिया में भी ये केंद्र उसी समय बना। हाँ, तो ये उनका पीरियड जो है वो उन्होंने अपनी ताकत इन कामों में लगाई और अच्छा काम हुआ। राज्यसभा में न जा करके, राज्यसभा में जाने का तो उन्होंने मन न जाने का मन बना लिया था, और शायद उसमें एक चंद्रशेखर जी के स्वाभिमान का भी विषय था कि हमको बलिया से चुन करके आना, राज्यसभा नहीं जाएंगे। तो वो चुन करके आए भी उसमें 89 में, और दो जगहों से आए, बलिया से आए और उसके बगल में जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी महाराजगंज, हाँ वहाँ से चुन करके आए। लेकिन एक स्टेज ऐसी थी जहाँ मुझे लगता है कि चंद्रशेखर जी को दलीय राजनीति से ऊपर उठ करके और विचार करना चाहिए और अपने रोल के बारे में भी विचार करना चाहिए था, वहाँ वो चुक गए। और ये बात तो 1993 की है। 1993 में 6 दिसंबर 1992 के बाद, 1993 में जनवरी के किसी पहले हफ्ते में ही उन्होंने एक अपने घर पर बैठक बुलाई, 18-20 लोगों को बुलाया, उसमें 10-12 पत्रकार थे, जैसे प्रभास जी थे, निखिल चक्रवर्ती थे, और एमएल कोतरू थे, स्टेट्समैन के संपादक थे, ये एचके दुआ थे, अभी डेथ हो गई है इनकी, पुणे के थे वो एडिटर थे, दिलीप पडगांवकर, मेरा ख्याल है ये, और मैं था, ऐसे और कुछ शायद आरिफ मोहम्मद खान थे, यशवंत सिन्हा थे, अरुण सोरी थे, ऐसे कुछ लोग और थे। तो वहाँ चंद्रशेखर जी ने इन सब लोगों को बुलाया था सलाह करने के लिए कि 6 दिसंबर के बाद जो परिस्थिति पैदा हुई है उसमें क्या करना चाहिए। आपको मेरा ख्याल है मालूम होगा, चंद्रशेखर जी 78 के बाद प्रभास जी से वो पहली बार उसी मीटिंग में मिले, और चंद्रशेखर जी ने अपनी ओर से जो उनको कहना था वो पहले कहा कि 6 दिसंबर के बाद एक असामान्य परिस्थिति पैदा हुई है, तो हम लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए, हम क्या करें, इसके बारे में आपसे सलाह करने के लिए मैंने आपको तकलीफ दी है। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप प्रभास जी को ज़रूर ले आइए। प्रभास जी से मैंने कहा तो प्रभास जी भी चाहते थे, तो प्रभास जी आए, निखिल चक्रवर्ती को भी ले आए वो। अच्छा, तो चंद्रशेखर जी ने प्रभास जी से कहा कि प्रभास जी आप पहले बोलिए। तो प्रभास जी बोले, 20-25 मिनट बोले। यहाँ से उन्होंने शुरू किया कि चंद्रशेखर जी मैं यहाँ पर आपके निवास पर मैं 78 के बाद पहली बार आया हूँ, और ये हमने जनसत्ता में जो ठीक समझा वो आपके बारे में लिखा है, लेकिन जब मुझे ये मालूम हुआ कि आपने इसलिए मीटिंग बुलाई है तो मैं आया,
मेरा आपको सुझाव है, प्रभास जी ने कहा कि राजनीति में, दलीय राजनीति में आपको जो पाना था आपने प्राप्त कर लिया है। आप प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री से तो कोई बड़ी चीज़ है नहीं, और हमारे यहाँ जो दल वगैरह है या राजनीतिक नेता से ऊंचा स्थान तो संत का है या उसका है जो उसके ऊपर चला जाए। आज न जेपी हैं, न गांधी हैं, न जेपी जैसा कोई है, परंतु आप जेपी जैसे की भूमिका निभा सकते हैं, और इसलिए आप पहला काम तो ये करिए कि आप ये घोषणा करिए कि मैं दलीय राजनीति से छोड़ रहा हूँ और राष्ट्रीय सवालों पर लोगों को जोड़ेंगे, उनके साथ काम करेंगे या उनका नेतृत्व करेंगे। उनकी प्रभास जी की बातचीत का सार यही था। और मैं देख रहा था चंद्रशेखर जी का चेहरा, तो चंद्रशेखर जी जो है वो अंदर से ही कूढ़ रहे थे इस सवाल पर। और आखिर में जब सब लोगों की बात आ गई तो चंद्रशेखर जी ने समापन किया और कहा कि मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ और पार्टी सिस्टम इस समय की राजनीति में ज़रूरी है, तो मैं पार्टी पॉलिटिक्स नहीं छोड़ सकता, उसमें रहते हुए जो करना होगा हम करेंगे, ये उनका अपना निर्णय था। अब लेकिन सर पार्टी थी कहाँ? नहीं थी, तो ये मोह है ना, ये मोह था। वो प्रभास जी की जो सलाह थी उसको अगर चंद्रशेखर जी मानते तो पार्टी में, पार्टी तो उनके पास थी नहीं, वो थे इंडिविजुअल, और उनकी जो उस समय उनका जो व्यक्तित्व था वो पार्टियों से ऊपर हो गया था। इसका हम आपको एक उदाहरण दे सकते हैं कि कैसे वो बड़ी पार्टियों के नेताओं से भी वो बड़े माने जाते थे, ये लोकसभा में दिखता था। लोकसभा में कभी वो दूसरी कतार में नहीं बैठते थे, आए तो पहली कतार में बैठते थे। पूर्व प्रधानमंत्री के नाते भी उनकी जगह तय थी। हम उस समय लोकसभा में रिपोर्टिंग करते थे जी। तो 2004 तक हमने लगातार रिपोर्टिंग की है जी, ये बात है 91, 92, 93 की या 96 तक की। तो उसमें हम पाते हैं कि चंद्रशेखर जी ये दूसरे जो नेता हैं वो स्पीकर से बोलने के लिए अनुमति मांगते थे। चंद्रशेखर जी कोई अनुमति किसी से नहीं मांगते थे। स्पीकर, अगर स्पीकर की कुर्सी पर स्पीकर ही बैठा है जी। और उस समय स्पीकर होते थे शिवराज पाटिल, तो शिवराज पाटिल जैसे ही चंद्रशेखर जी खड़े होने की तरफ बढ़ते थे तो शिवराज पाटिल व्यवस्था दे देते थे, अगर कोई बोल रहा है और कुछ कर रहा है या हाथ खड़े कर रहा है तो शिवराज पाटिल कहते थे कि आप बैठिए, चंद्रशेखर जी कुछ कहने जा रहा है जी। और मान लीजिए पी वी नरसिंह राव भी वहाँ बैठे हुए हैं, वाजपेयी जी भी बैठे हुए हैं, सोमनाथ चटर्जी बैठे हुए हैं, इंद्रजीत गुप्त बैठे हुए हैं, यही उस समय की पहली कतार की लीडरशिप थी। राजीव गांधी तो 91 में चले गए थे। तो ये सब लोग ध्यान से चंद्रशेखर जी क्या कह रहे हैं सुनते थे। और मेरा ये है कि 91 से 96 का जो चंद्रशेखर जी का लोकसभा में हस्तक्षेप है जी, वो हस्तक्षेप है जी।
लेकिन उस हस्तक्षेप को कोई हस्तक्षेप नहीं मानता था, मानता था कि चंद्रशेखर जी ने सही बात कही है, प्रेस गैलरी में भी और लोकसभा में भी। तो ये इसको चंद्रशेखर जी अगर पहचानते और इसके हिसाब से जैसा वो व्यवहार में, तो वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हो ही गए थे, लेकिन वो जो टेक्निकल ढंग से अगर देखें तो वो खुद अपने को एक पार्टी का अध्यक्ष या जो भी सजपा थी उसके वो अध्यक्ष बने रहना उन्होंने आजीवन स्वीकार किया। वो उनके व्यक्तित्व में एक तरह से उससे कमी आती थी, कोई संगठन नहीं था, वो सिर्फ बलिया तक और समय समय पर उन्होंने जैसे कुछ प्रयोग किए, जैसे एक प्रयोग उन्होंने जो किया वो उसकी पर कम चर्चा होती है। 1995 में, 1995 के अंत में मेरे पास 4-5 लोग आए और कहने लगे कि हम लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर कोई संवाद करना चाहिए, तो क्या चंद्रशेखर जी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि चंद्रशेखर जी से ही हम लोग चल कर पूछें। और जो 4-5 लोग आए उसमें वो महेश शर्मा थे, महेश शर्मा राज्यसभा वाले और खादी वाले, गोविंदाचार्य थे, गुरुमूर्ति थे, राजकुमार भाटिया थे, इतने नाम हमको याद आ रहा। अच्छा, तो हम लोग सब लोग करीब करीब चंद्रशेखर जी के पास गए और उनसे ये कहा कि एक राष्ट्रीय स्तर पर संवाद होना चाहिए। तो एक मिनट भी उन्होंने नहीं लगाया सोच विचार में, कहा कि हाँ होना चाहिए। फिर प्रभास जी, चंद्रशेखर जी, निखिल चक्रवर्ती, नामवर सिंह, ये चार के नाम से प्रभास जी ने एक चिट्ठी बनाई कि आज देश की परिस्थिति कैसी है, इसलिए हम ये संवाद आयोजित कर रहे हैं। तो चंद्रशेखर जी, गोविंदाचार्य 2, प्रभास जी 3, निखिल चक्रवर्ती 4 और नामवर सिंह 5, इन 5 के नाम से एक चिट्ठी जारी की गई और फिर वो संवाद हुआ। मेरा ऐसा ख्याल है कि कांग्रेस को छोड़कर, कांग्रेस का वहाँ कोई प्रतिनिधि नहीं आया था, शेष सभी पार्टी और जन संगठनों के लोग भूटसी में आए उस संवाद पहला जो संवाद हुआ, और उसमें कुछ साहित्यकार भी आए, नामवर सिंह आए, केदारनाथ सिंह आए और 3 लोग आए, नामवर सिंह थे, केदारनाथ सिंह थे और एक कोई और था, कौन, विश्वनाथ त्रिपाठी तो नहीं थे। इन दोनों लोगों का सर मैं उसमें सर हम लोगों ने भी हम लोग भी आए थे कलकत्ता से उसमें देखने के लिए, खाली वहाँ तो ये दोनों लोग तो थे, लेकिन हर पार्टी के लोग थे उसमें। और गोविंद जी देर में आए, अगर आपको याद होगा शाम, मैंने सुबह शुरू हुआ संवाद, शाम को चंद्रशेखर जी ने मुझसे कहा कि गोविंदाचार्य कहाँ गेलन हो, तो हमने कहा कि मैं मालूम करता हूँ। तो गोविंद जी को हमने फ़ोन लगाया और हमने कहा गोविंद जी आपके दस्तखत से चिट्ठी जारी हुई है, बीजेपी में आप रहें या ना रहें ये छोटी बात, उसकी आप चिंता मत करिए, आप यहाँ आइए। तो आए, फिर बाद में पता चला कि उनको अटल बिहारी वाजपेयी ने रोक लिया था, क्योंकि उस पूरे संवाद को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ये माना था कि मेरे खिलाफ है, यानी चुनाव की तैयारी है और
इसमें बीजेपी या भाजपा को चुनौती देने के लिए ये तैयारी हो रही है। तो जिसने भी वाजपेयी जी को कहा होगा तो उन्होंने खुद तो नहीं परंतु किसी बड़े व्यक्ति से कहलवा करके गोविंदाचार्य पर को ऑर्डर कर दिया कि आपको नहीं जाना है। जब हमने किया फोन तो आए। अब वो जो संवाद पहला जो संवाद हुआ वो संवाद 95 में ही था मेरा ख्याल। तो 95 में के संवाद 95 से लेकर के 2002 तक चला और 8 संवाद हुए। एक संवाद डूमस में हुआ, एक संवाद वो लोनावाला में हुआ। इस तरह से वो संवादों का एक सिलसिला चला और उसके बाद एक संवाद हुआ कि विकल्प है और फिर आठ संवाद के बाद अब वो तीसरे स्टेज में जा रहा था कि विकल्प अभियान, यानी हम राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक जो कुछ अपने पास उपलब्ध विकल्प है उसके समानांतर हम एक नया विकल्प देने की कोशिश करेंगे और कर वो दिया जा सकता है। तो उसके लिए एक विकल्प अभियान की शुरुआत हुई। चंद्रशेखर जी उसमें बड़े मन से लगे थे लेकिन विकल्प अभियान ये एक स्टेज पर जाकर के उसमें कुछ लोगों के कारण उसकी हवा निकल गई। योगेंद्र यादव, राजकुमार जैन, विजय प्रताप, ये तीन लोगों ने उसमें ऐसा मुद्दा छेड़ दिया कि एक साथ काम करना संभव नहीं था। तो चंद्रशेखर जी ने भी एक तरह से दुखी मन से, लेकिन अपने को उन्होंने भी विड्रा कर लिया, हम लोगों ने भी विड्रा कर लिया। तो उस अब अगर ये अभियान चलता रहता तो मेरा ख्याल है कि चंद्रशेखर जी की सेहत भी ठीक रहती और एक राजनीतिक विकल्प देने की उनके नेतृत्व में संभावना भी प्रकट होती। लेकिन वो इन तीनों के कारण ये स्थगित हो गया और जो स्थगित हुआ वो स्थगित हो गया। उस ये इधर रुका और दूसरी तरफ विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में राइट टू इन्फॉर्मेशन का सिलसिला शुरू हुआ और वो आप जानते हैं कि 2005 में जा कर के राइट टू इन्फॉर्मेशन का कानून बना। तो ये चंद्रशेखर जी के पास अगर योग्य टीम होती तो शायद ये विकल्प वाला जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता। मेरा अपना ख्याल ये बना है कि जैसे गांधी जी थे उनमें उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी और ये खूबी जेपी में भी दिखाई पड़ती है कि वो विपरीत विचारधाराओं के लोगों को भी अपने से जोड़े रखते थे। वहाँ चंद्रशेखर जी नाकाम हुए। लेकिन सर विश्वनाथ प्रताप सिंह सफल हुए? विश्वनाथ प्रताप सिंह भी सफल नहीं हुए। विश्वनाथ प्रताप सिंह पावर पॉलिटिक्स में सफल हुए लेकिन ये जब उससे अलग हो गए तो वो एक कैंपेनर के रूप में सफल हुए और कैंपेनर वो इसलिए बने क्योंकि वो उनके लिए वो जीने का बहाना था। यानी जब उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, देखिए 1996 में जब वाजपेयी की सरकार गिरी, उनको बहुमत नहीं मिला और देवगौड़ा
बने उसके बीच का जो समय है उसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह को लोगों ने आग्रह किया कि आप बनिए, और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उसको अस्वीकार कर दिया। वो मंजिल से ज़्यादा सफ़र वाले में इसका वर्णन है पूरा कि कैसे उन्होंने एसपी जी वालों को कहा कि चलो और गुड़गांव तक चक्कर लगाते रहे, ताकि ये जो ज्योति बसु, सीपीएम और बाकी सारे नेता आए, और अंततः घर उनके घर से जब लौट गए, लौट जाएंगे तब वो घर आए। तो उन्होंने तय कर लिया था कि हम अब इसमें नहीं पड़ेंगे, तो नहीं तो दोबारा प्रधानमंत्री बन जाते, जितने दिन के लिए बनते लेकिन बन जाते, उसमें वो नहीं पड़े। और उन्हीं दिनों में उनको जो है वो कुछ दिनों बाद उनको जब कैंसर, मल्टी माइलोमा निकला, तो उसकी चिकित्सा और दूसरा अपने को व्यस्त रखने के लिए उन्होंने मोटे तौर पर दो काम किए। एक तो जो उनकी कला की प्रवृत्तियां थी उसको जगाया और खुद पेंटिंग वगैरह करने लगे, दूसरा गरीबों के लिए, झोपड़ी में रहने वालों के लिए के सवाल को वो पूर्व प्रधानमंत्री होते हुए भी उनके सवालों को वो लड़ते थे। मंजिल से ज़्यादा सफर में पूर्व कथन में आपने बड़ा मार्मिक वर्णन किया है कि कैसे वो किडनी डैमेज हुई वहाँ बॉम्बे में, वो जब सत्याग्रह पर बैठे थे और कैसी स्थितियाँ थी उसके बाद से, फिर वो और कैसे अस्पताल में भी अच्छा तीन तीन चीज़ें, आँख की रोशनी एक आदमी की जा रही है कि, और वो फिर ये इतना बनेगा कैंसर हो जाना, और फिर उस किताब का जो उत्तरार्ध में जब वो गरीबों के लिए अभियान पर निकलते हैं उस पर सर आपके जो प्रश्न हैं और जो उनका जवाब है, और जो विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसा कि उसमें भूमिका में प्रभास जी भी कहते हैं कि इस किताब के बाद दूसरे विश्वनाथ प्रताप सिंह आ रहे हैं, ये जवाब तो चंद्रशेखर जी वाली किताब में भी कहते हैं भूमिका में कि, तो ये जो जो रूपांतरण था सर एक राजा का, जो उत्तर प्रदेश एक अध्याय है, फिर यहाँ केंद्रीय, यहाँ पर इमरजेंसी के दौरान भी उस परिवार के साथ बने रहना, कांग्रेस में बने रहना, और फिर बाद में गरीबों के लिए जुड़ना। किसी समय में वो एक राज परिवार में थे जी। लेकिन जब वो सार्वजनिक जीवन में आए हैं या उससे भी पहले जी। तो त्याग वाली वृत्ति विश्वनाथ प्रताप सिंह में शुरू से है, क्योंकि जब विनोबा भूदान के लिए इलाहाबाद से निकलते हैं तो अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा उन्होंने भूदान में दे दिया। जब वो कांग्रेस से बाहर निकले और आंदोलन करने लगे, तो मैंने ये पाया कि सर्वसेवा संघ में लीडरशिप भी और काडर भी जो भी है उनका, वो ये मानता था कि हमारा आदमी, यानी क्योंकि विनोबा जी के से वो जुड़े हुए थे और भूदान के लिए भी काम किया था, उसी तरह से उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की स्मृति में भी वहाँ पर कोई केंद्र बनाया था, ललिता शास्त्री वहाँ जाती थी, तो इस तरह के यानी कुल मिलाकर के देने वाली जो प्रवृत्ति है विश्वनाथ प्रताप सिंह में वो थी। और एक आदर्श मूलक उनका जीवन भी था। जब वित्त मंत्री के रूप में वो यहाँ आए तो मेरा ऐसा ख्याल है, उसको दूसरे तरह से भी लोग देखते हैं, लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि उन्होंने
जितना बड़ा अभियान भ्रष्टाचार के खिलाफ और बड़े औद्योगिक घरानों के खिलाफ चलाया वैसा कोई वित्त मंत्री अक्सर नहीं करता। तो और उसी के कारण से राजीव गांधी से उनकी टकराहट भी हुई। तो एक उनके जीवन में ईमानदारी का जो तत्व है कि वो केवल उसका राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए ईमानदारी नहीं थी, उनके जीवन में भी दिखाई पड़ती थी। जैसे मान लीजिए एक राजाजी मार्ग, वो तीन मूर्ति मार्ग की कोने की कोठी है जहाँ अभी भी उनकी पत्नी रहती हैं सीता देवी। तो वीपी सिंह के ज़माने में जब आप वहाँ जाएं और देखें तो जो फर्नीचर वहाँ पर है उसको देखकर ही लगता है कि ये आदमी अपने निजी जीवन में भी ईमानदार, मतलब और रहन सहन में भी वो दिखाई पड़ता था। तो वीपी सिंह मेरा ऐसा ख्याल है कि हर समय कोई ना कोई एक उद्देश्य उनके सामने रहता था और उस उद्देश्य के लिए अपनी पूरी ताकत वो लगाते थे, चाहे वो राजनीतिक उद्देश्य हो, सामाजिक उद्देश्य हो या फिर गरीबों का सवाल हो। इतिहास बोध भी उनमें था। जब उन्होंने आरक्षण वाले विषय को अपने हाथ में लिया और उसको घोषित किया तो लोग उसको शासन सत्ता और उस समय देवीलाल के झगड़े से जोड़ देते हैं, इसको अगर हटा दीजिए तो ये समझ में आता है कि देखिए हमारे यहाँ जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें चाहे गांधी जी हों, कांग्रेस हो या स्वाधीनता सेनानी हों, क्रांतिकारी हों, सबने जिस बात को अंडरलाइन किया वो एक सोशल रिवॉल्यूशन था। बराबरी का समाज बनेगा, छोटे बड़े का समाज नहीं बनेगा। बराबरी का समाज तो तभी बनेगा जब ये जो लोग वंचित रहे हैं उनको आप थोड़ा विशेष दर्जा दीजिए। तो वीपी सिंह ने आरक्षण वाले यानी मंडल आयोग को लागू करके उन्होंने कहना चाहिए कि मेरा ख्याल है कि गौतम बुद्ध के बाद जिस तरह की सामाजिक क्रांति वीपी सिंह ने की उसका दूसरा उदाहरण नहीं।